ये देखिए रोड को कैसे तिरछे पन में काटा है छेनियों के साथ घोड़ों के साथ। ओ देखो कैक्टस यार्ड के ऊपर जाम रहा थोड़ा कैक्टस में। अरे डाकमार एलोवेरा भी है क्या? एलोवेरा वो है देवप्रयाग पर संगम जहाँ पर होता है वहाँ पहुँच चुके हैं भैया। एक नंबर की बात है, इसने मेरी टोपी उतार ली है, कोई बात नहीं। चश्मे और अब मेरे चश्मे नून आगे देवाड़ तो बंगा हुआ है, पर मैं मार रहा हूँ तो नहीं आ रही ना वापस लिए तो पूरा कले रे वो कले वो कले नंबर है। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो के अंदर। उम्मीद है आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में आज हम आपको दिखाने वाले हैं प्रयागराज यानी कि संगम का दृश्य। संगम जहां पर अलकनंदा और भागीरथी दो अलग अलग धाराएं मिलकर एक बड़ी नदी यानी कि गंगा का निर्माण करती हैं। वो दृश्य इतना मनमोहक, इतना शांत है कि वहां पर जाकर वापस आने का मन ही नहीं करता। मन करता है कुछ दिन के लिए यहीं पर रुक जाएं। काफ़ी अच्छा दृश्य है, उसके बारे में वहां पर जाकर आपको हम अभी दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अलकनंदा भागीरथी के संगम पर मिलते हैं आप सबसे। तो चलिए मिलते हैं प्रयागराज पर। रास्ते में हमें एक लोकेशन मिली शिवपुरी, यहाँ पर बंजी जंपिंग है। तो चलिए एक बार यहाँ पर जाकर देखते हैं। हेलो गाइज, बंजी जंपिंग पर पहुँच रहे हैं अभी। अलग अलग बंजी जंपिंग जो हाइक दी गई हैं, कोई 100 मीटर, 102 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, कोई 500 मीटर तक की हाइट है। देखते हैं वही कौन सी जंपिंग हमें सूटेबल है। और हम सब बंजी जंपिंग करने यहाँ पहुँच चुके हैं। कई सारे एडवेंचर यहाँ पे हैं। ये जो प्लेस है शिवपुरी हरिद्वार और ऋषिकेश से 17 या 18 किलोमीटर दूर है। काफ़ी सारे एडवेंचर यहाँ पर कराए जाते हैं। लगभग 30+ एडवेंचर की जो है यहाँ पर, हाँ 50+ एडवेंचर यहाँ पर होते हैं। ये देखिए ये बंजी जंपिंग के लिए हाइक्स बनाई गई हैं। काफ़ी सारे एडवेंचर हैं शिवपुरी। तो चलिए एक एक करके हम आप सभी को ये दिखाते हैं। दो बन रहे हैं, दो वहाँ पर ले लो बंजी जंपिंग। देखिए भाई इस नज़ारे को देखकर मेरी तो हिम्मत नहीं हुई कि मैं बंजी जंपिंग पर जाऊंगा। मेरे जो साथी हैं वो कुछ सोच रहे हैं, देखते हैं इनमें से कोई अगर जाता है तो ठीक, नहीं हम अपने डेस्टिनेशन पर चलते हैं प्रयागराज पर। सूती डाला पकड़ रही गाइज। अब हम नीलकंठ की यात्रा करके उतर चुके हैं और कुछ देर हमने रेस्ट किया, अपने होटल में एक रूम लिया, चिल किया थोड़ा सा, एक स्लीप लेके, और अब हम निकले हैं देवप्रयाग के लिए। देवप्रयाग यहाँ से 60-70 किलोमीटर अराउंड है। वहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों का संगम है। काफ़ी अच्छा खूबसूरत नज़ारा वो है। पहले भी हम जा चुके हैं लेकिन फिर भी उस जगह से मन भरता ही नहीं। एक बार फिर हम उस रास्ते पर चले हैं। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में आपसे दोबारा। तो वही हम धीरे धीरे म्यूजिक का आनंद लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में आने वाले कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको हम जरूर दिखाएंगे। जैसे अब हम इस जो टर्न है इसे आगे निकलते हैं तो एक ब्रिज हमें मिला। ये जो ब्रिज है पहले ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता था लेकिन वहाँ पर जो लैंडस्लाइड्स की वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता था, इसलिए इसे थोड़ा सा राइट साइड में दोबारा बनाया गया ताकि रास्ता कभी ब्लॉक ना हो और आने जाने में कोई परेशानी ना हो। देखिए भाई पहाड़ों का जो रास्ता होता है ना वो अपने आप में ही लाजवाब होता है। यहाँ आते ही अपने आप मन करता है इन पर दौड़ने का, इन पर भागने का। यहाँ पर जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं और एक तरफ जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, घना जंगल है, काफ़ी अच्छा दृश्य है भाई। हमारी गाड़ी देखकर ये शायद डर गया है,
लेकिन देखिए कहाँ चलो हमारा एक बंदा उतारता है इसको नीचे अंदर ही अंदर ले। आप देख सकते हैं ये घास खाने के लिए कहाँ तक उतरा है। हेलो बेबी आ जूम कर जूम। ये देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई के ऊपर पहाड़ से ये बिल्कुल आसानी से बिना डरे आराम से उतर रहा बिना सूखे। ये घास को खाने के लिए ऐसी ऐसी कठिन जो रास्ते हैं उनसे ट्रैवल करके निकलते हैं। ये देखिए रोड को कैसे तिरछे पन में काटा है छेनियों के साथ हथौड़ों के साथ इंसानों ने इतनी मेहनत की है। यहाँ पे छोटे छोटे हथौड़ों के साथ छेनियों के साथ इस रोड को काट के बनाया गया है। ये भी पचड़ गन्नून तो चले जाएंगे केदारनाथ है अर्जुन बद्रीनाथ है संगम पे तो दो केदारनाथ भी नून नहीं है उड़ जाग दे वो उड़े हाँ चढ़ाई पे उस तो प्रेम चले जाएंगे ना हाँ तो अलकनंदा का सारा सार जाएंगे अच्छा। और अलकनंदा के सारे सर पहुंचाएंगे ऊपर केदारनाथ है अच्छा। प्रेम न भागीरथी रहेगी अच्छा। तो ये रोड प्रेम चला जाएगा जो भागीरथी का ना तो भागीरथी के साइड साइड में प्रेम बद्रीनाथ पहुंचेंगे। रोड की तो उड़ा गए उतरक उतरल लाग रहा। अरे यो तो है वो की तो केदारनाथ अड़ा गए कह तू लाल लाल इसके सर सर जगह यहां लाग रही भागी रहती संगम है यहां हाँ ये बात भागी रहती रह लखनंदा मिल का गंगा बना उड़े जा रहे तो वही हम पहुंच चुके हैं अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर जहां ये दोनों नदियां मिलकर एक बड़ी नदी गंगा का निर्माण करती हैं। ऊपर रोड से ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम इसके पास नज़दीक नीचे की तरफ उतरते हैं तो चलिए इसके पास नज़दीक जाकर देखते हैं इस संगम को। काफ़ी अच्छा नज़ारा ये है। हम संगम पर आ चुके हैं प्रयागराज केदारनाथ के रास्ते में पड़ता है ये वीडियो कॉल पे भी दिख जाता है ये ना दिखता वीडियो कॉल तेरा बढ़ा दियो तेरा एंडी वो देख कैक्टस ही आड़ के ऊपर जाम रहा थोड़ा कैक्टस ना अरे डाक में एलोवेरा भी है क्यों की एलोवेरा वो है एलोवेरा के तो चौड़े पत्ते आ रहे इसके तो इतने पतले एलोवेरा ले जा। ये संगम है यहाँ पर इस तरफ से एक नदी इस तरफ से आती है भागीरथी एक उस तरफ से अलकनंदा और ये दोनों मिलकर आगे की तरफ गंगा बनकर चलती है। काफ़ी अच्छा नज़ारा है। 2013 के अंदर यहाँ पर जब बाढ़ आई थी तब आप देख सकते हैं वो जो ऊपर वाले होटल है ना वहाँ तक पानी आ गया था। ये रास्ता भाई संगम पर जाने का तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना संगम पर जाकर प्रयागराज पर हम दोनों नदियों का संगम देख लें अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर यहाँ पर गंगा का निर्माण करते हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा है काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर मनमोहक। कितका ये हम पहुंच चुके हैं संगम पर नीचे की तरफ। यहाँ पर आप अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों का संगम देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। देखिए पानी का जो जोर है जो शोर है वो बहुत तेज। ये इस तरफ हम इसके साथ साथ भी चलते हैं तो केदारनाथ चले जाते हैं जो चार धाम में से एक है और इस तरफ जब हम जाते हैं अलकनंदा के भागीरथी के साथ साथ तो ये इस तरफ पहुंच जाती है बद्रीनाथ पर और यहाँ पर आकर दोनों का संगम होता है और इससे आगे इसको हम बोलते हैं गंगा गंगा माँ। देवप्रयाग पर संगम जहाँ पर होता है वहाँ पहुँच चुके हैं भैया। एक नंबर की बात है। इसने मेरी टोपी उतार ली है कोई बात नहीं और अब मेरे चश्मे नून आगे देवार तो बंगा हो आई बार मैं मार हूँ तो नहीं आ रही ना वापस क्लियर हो रहा है।
बैठे हुए हैं यहाँ पर, इधर से अलकनंदा और इधर से जो है भागीरथी आ रही है, और ये दोनों मिलकर संगम बना रही है। एक ये पिटेगा, इधर आ जा भाई। ये जो नदियाँ दोनों यहाँ पर मिलती हैं, इनमें से जो भागीरथी है ना, उसकी धारा एकदम से पहाड़ से नीचे उतरती है, तो उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा पानी का प्रेशर है। अभी हमने डिसाइड किया है कि एक बार इस गुफा के अंदर मैं भी जाकर देखता हूँ। यह एक छोटी सी गुफा बनाई गई है पहाड़ से, पहाड़ के अंदर, जिसमें शिवलिंग रखा है और उस पर जल चढ़ाते हैं लोग, वहाँ पर कुछ अपनी मनोकामनाएँ मांगते हैं। तो मैं भी डिसाइड करता हूँ एक बार अंदर जाकर इसे ज़रूर देखना चाहिए कि पहाड़ को काट कर कैसे रास्ता बनाकर यहाँ पर इन्होंने शिवलिंग को रखा और साथ में कुछ और भी मूर्तियाँ हैं। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा हुआ है कुल मिलाकर। हम सब साथियों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े किए। ये जो संगम है, काफ़ी शांति भरा माहौल है यहाँ का और सुकून सा मिलता है। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना चलो एक बार उस तरफ भी जाकर देखा जाए जिस तरफ से भागीरथी नदी जो है वो गंगा में आकर मिल रही थी। एक्चुअली ये जो है ना एकदम से पहाड़ से नीचे उतरती है, तो इसका जो प्रेशर है पानी का वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अपने आप को टिकाए रखना लगभग नामुमकिन है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता। बस वैसे ही ट्राई किया मैंने वहाँ जाने के लिए, लेकिन अपने आप को वहाँ पर टिका कर रखना वाकई में बहुत मुश्किल का काम था। ये मुझे खींच कर लेकर आ रही थी। हेलो गाइज, हम प्रयागराज संगम पर नहाकर यहाँ पर स्नान किया, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट किया हमने, जैसा कि आप वीडियो में पहले देख चुके हैं। अब यहाँ से निकलने की तैयारी है, हम अपनी पैकिंग कर रहे हैं और बस पैकिंग के बाद तुरंत यहाँ से निकलने वाले, 7 बज चुके हैं। अब हमारा प्लान है चंडीगढ़ जाने का, वहाँ पर चंडीगढ़ जू को देखेंगे, एलएनटी मॉल है, एक दो जगह घूमेंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, उसके बाद सीधा घर पर। थैंक यू। तो चलिए भाई, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो, एक और नए व्लॉग के अंदर, एक और नए फन के अंदर। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना महादेव आपको पाप देंगे। तो भाई थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए, बने रहिए हमारे साथ और एक नई वीडियो में मिलते हैं।